आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सारे भैन भरावां अस्सलाम अलैकुम। अज की वीडियो जी सिर्फ और सिर्फ कमीशन जिहड़ा इटली दे विच अजील वाले लोगों वास्ते हुंदा उहदे बारे तुहानूं दस्सना डिटेल दे नाल गलबात कि तुहाडा अक्सरीयत विच इह सवाल हुंदा कि भाई जी साडी कमीशन दे बारे थोड़ी जिही हैल्प करो। कमीशन की चीज़ है? कमीशन एक बेंचमैन दा जजां दा अदालत दे विच हुंदा। कमीशन दे विच एक तुहानूं इख्तियार है, तुहाडा राइट है, तुहाडा हक बणदा है कि अपना तर्जमान भी उहदे विच मौजूद होना चाहिए। वो एक जज होंगे, एक आम बंदा नहीं होंगे, वो एक जज होंगे, वो इख्तियार होंगे ने। कमीशन के जड़िया तीन साल पहले सिस्टम से इटली के खत्म हो चुके हैं कि स्टोरिया ऐसे भी भैन भरा होंगे कि जो कहते यार मैं स्टोरी लिख दे, मैं यह चीज़ कर दे। उन्होंने स्टोरिया के बारे तहकीक नहीं आती, उन्होंने स्टोरिया के बारे छानबीन नहीं आती, कोई प्रूफ नहीं मंगता, क्योंकि कैंपा के मुख्तलिफ कोपरेटिव बने से, मुख्तलिफ फर्मा बनिया से, जिन्होंने अपनी जबान कमेटी कहें उसमें इतने कहते कोपरेटिवा कारपोरेशन जिसनों कहें मुख्तलिफ तश्कील दिखाई गई कि गौरमेंट को ठेका लेंदिया से हर कैंप का। लेकिन वह सिस्टम खत्म हो गया, उन्होंने ठेका लेना हों 100 बंद 200 बंद 400 बंद एक कैंप के फी बंद गौरमेंट को पर डेज से उन्होंने पैसे लेने होंगे। उस तो बाद महीने दो महीने चार महीने के बाद जल्दी तो जल्दी जज अगे पेश किया जाता, जज के अगे स्टोरी पेश की जाती, इटालियन के एक तर्जमान हों टाइप करता जाता, तो जज मोहर ला दिता, कस्तूरा तुम्हें साल डेढ़ के पेपर दे दिता से। वह सिस्टम खत्म हो चुके है, याद रखो। हूँ की चीज़ है कि अल्टीकल एक्टिव होया, अजील का राइट अजे भी ह्यूमन राइट के तहत अजे भी वह अल्टीकल एक्टिव है इटली के, बाकी मुल्कों के भी एक्टिव है। लेकिन इटली की खास तब्दीली की आ गई आखिरी दो साल के, इटली ने जितने कारपोरेशन जितने कोपरेटिव है जितने ह्यूमन राइट के तहत तंजीम आई करोचरोसा से मुख्तलिफ इंसानी हमदर्दी के वास्ते तंजीम से वह खत्म कर दी, उन्होंने ठेके खत्म हो गए हैं। हूँ अजील हो जाती है, ओपन अजील अजक सब तो अच्छी चल रही है, क्योंकि वह गौरमेंट के बोझ नहीं बनते, थोड़े को रहने की जगह अपनी होंगी है, थोड़ा जो कमीशन आंदा कमीशन के जज तो आने गल जज थोड़े के पहला सवाल करता है इटली कितना अर्सा हो गया। पहला सवाल क्या होंगे इटली तेन कितना अर्सा हो गया, तुम कहते हो मैं 2 साल हो गए, मैं 3 साल हो गए। अगला सवाल क्या होंगे कि इन 2-3 साल किया, इन 2-3 साल किया। प्रॉब्लम तो स्टोरी की गल नहीं हो रही, ये अजे बाद दे आने उ जो तीन कम लगे होंगे हो ना, तो जज न वह सवाल बाकी भुल जाते हैं। जो कहते हो तुम मैं इटली दे 2 साल हो गए या 3 साल हो गए, मैं इटालियन जबान सीखने की कोशिश की है, वह सर्टिफिकेट जो थोड़े को तो जरूर लैके जाओ, जरूर लैके जाओ कमीशन के सर्टिफिकेट जज के टेबल के अगर रख दो कि यह मैं जबान का सर्टिफिकेट किया, मैं जबान सब तो पहले मेरी मजबूरी है, मैं कम लगे हाँ, मेरे को कम का कॉन्ट्रैक्ट है, वह भी जज के सामने रख दौ। जितने साल के 2 साल के बूस्ते पा गए हैं तुहाडे कोले, वह भी सामने रख दौ। अगर तुहाडा कोई फैमिली मैंबर इटली दे विच मौजूद है तो उहदे विच उहनूं बोल के दस सकदे हो कि मेरा फलाना फैमिली मैंबर है, मेरा भरा है या मेरी सिस्टर है या मेरे कजन ने, वह इटली दे विच इंटीग्रेट हो चुके हैं, अगे उन्हां कोले पेपर ने, रैगूलर तरीके नाल कम कर रहे हैं, तो फिर जिहड़ा वह तुहाडी स्टोरी बदल जाती है। इस तों बाद जज तुहानूं पुछदा कि किहड़े रस्ते आया, तुहानू पूरी गल दसनी पैंदी है कि मैं फलाने रस्ते आया। याद रखो झूठ नहीं बोलना, ये झूठ नहीं बोलना, तुम दसना कि रस्ते मैं आया, किस तरीके मैं आया, मैं इटली क्यों आया। वो वजह यह भी होंगी है, खास सवाल होंगे कि पुछता तू इटली क्यों आया, इतने मुल्क जो पाकिस्तान तू निकलिया, तू ईरान तुर्की यूनान अगे पिछे रस्त तू आया, सारे मुल्क क्रॉस करना है, इटली आकर तू अजील क्यों की है, इटली आकर अजील की है, फिर उस मोटीवेशन देना होंगे, या तो दसना होंगे बंदे ने कि मेरे फैमिली मैंबर ने इतने कि मेरी वो मदद कर सकते सी, इतने उन्होंने मेरी मदद की भी है, कम लभने में मैं रैश भी ऑफर की है, मैं इंटीग्रेट होने मेरी मदद कर रहे हैं, किसी किस्म की मैं परेशानी मजबूरी बनती है तो वह मेरी हेल्प करते हैं। ये मोटीवेशन वायलड मोटीवेशन है, इस वास्ते कहना कि गलत इन्फॉर्मेशन दी गई होती तो कैंप के कि तुम्हें यह नहीं दसना कि मेरा फैमिली मैंबर इटली है कि नहीं है। अजक ये जरूरी है इस सवाल का जवाब यह देने वास्ते कि इटली तू क्यों आया, बाकी मुल्कों में भी रह सकता सी, फिर वो थोड़े पाकिस्तान की जिंदगी तो टुर जाते हैं। जज जड़ा हुंदा उस सवाल करता पाकिस्तान की करता सें, उत्थे फिर तुहानू पूरी जिंदगी अपनी की कहानी सुनानी पैंदी है कि मैं इस तरह पैदा होया सी, असी इस इतने भैन भरा या मेरे वालदैन है ने, अल्लाह ताला उन्होंने सेध दे, अगर फोत हो गए तो यह भी दसना है कि उन्होंने डैथ हो गई है। फिर प्रॉब्लम होंगी कि वह दसदा कि पाकिस्तान क्यों छड्या,
अगर किसी बंदे नूं सीरियस प्रॉब्लम है तो कोई प्रूफ ने वो दस सकता है कि मैं फलानी प्रॉब्लम सी, नहीं तो साफ गल दसो कि मैं जमींदारा काम करता सी या मेहनत मजदूरी करता सी, पाकिस्तान दे विच मेरा फ्यूचर कोई नहीं सी, मैं ट्राई की उत्थे दो साल मजदूरी की है, स्कूल स्टडी की है, वह भी उन्होंने दसो ताकि वो एक जज है उसने तुहाडे बारे डिसाइड करना है, तुहाडे फ्यूचर दे बारे डिसाइड करना है, तुसी उन्नू इतना को मुतमिन करना है जहनी तौर ते कि तुसी काबिल बंदे हो कि पाकिस्तान विच भी स्टडी करने की कोशिश की है, बाद दे विच काम करने की भी कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान विच मुस्तकबिल ना होने की वजह तो इटली विच मैं फिर आ गया, मैं डिसाइड किया, मैं आके अपना इत्थे जिंदगी गुजारनी, मैं फ्यूचर अपना इत्थे मतलब डिसाइड करना है, मैं अरेंज करना है, प्रोजेक्ट है मेरी जिंदगी का, इस वास्ते मैं इटली आया। पाकिस्तान दे विच याद रखो जे तुहाडी सीरियस प्रॉब्लम नहीं तो कदी भी झूठ ना मारो, ये अजकल झूठ नहीं चलते पे कमीशन दे विच, सब उन्होंने साड़ियां स्टोरियां जबानी याद हो चुकियां ने। अगर सीरियस प्रॉब्लम नहीं तो उन्होंने साफ हकीकत दसो, शादीशुदा हो तो उन्होंने दसो मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, जितने बच्चे भी है ने, मेरी बीवी है, मेरे वालदैन ने, मैं उन्हों की जिंदगी का एक सहारा, मैं कला काम करना। पाकिस्तान दे विच बोल के दसना चाहिए कि जितनी तनखा लभदी है जड़ा काम करी दे, जो जमींदारा काम करी दसना मैं दो साल तीन साल जमींदारा काम किया लेकिन जिंदगी अगे नहीं सी जा सकती, जितनी जरूरत ज्यादा ने इतने वसायल नहीं सन उस मुल्क दे विच, इन्हां चीज़ों तो एक जज का दिल जितना होंगे कमीशन दे विच, जज का जो दिल जित लैंदे उन्होंने सैट